यूं तो रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच के अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वास्थ्य व जीवन में सफल होने की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए उन्हें प्यार और विपरीत स्थिति में उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने का वचन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? तो आइए जानते हैं इस परंपरा की शुरुआत कब, कैसे और कहां हुई थी। देखते हैं यह छोटा सा नाटक जो छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया गया है। हरी प्रार्थना सच्ची है। आने वाले युग में सावन केवल शिव पार्वती के लिए नहीं बल्कि भाई बहन के लिए भी जाना जाएगा।